जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और आप सब के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि CISF फायरमैन 1149 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था 2022 में। इसका फिजिकल भी यहाँ पर सफलतापूर्वक कंडक्ट करवा लिया गया है और मेरे काफ़ी भाई ऐसे हैं जो कि कुछ सब्सक्राइबर भी ऐसे हैं जो कि फिजिकल को पास कर चुके हैं, ठीक है। और जो वीडियो देख रहे हैं वो सारे बच्चे यहाँ पे फिजिकल को पास कर चुके होंगे और अच्छे से अच्छे पास कर चुके होंगे, मतलब कि तैयारी करके गए होंगे और फिजिकल को पास कर लिए होंगे। लेकिन अभी यहाँ पे बातें आती है कि उनका रिटर्न एग्ज़ाम नहीं हुआ। आखिर रिटर्न एग्ज़ाम कब होगा? और रिटर्न एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, लेकिन रिटर्न एग्ज़ाम पास कैसे कर सकते हैं? एडमिट कार्ड कब आएगा इसका? इसको लेकर काफ़ी भाई यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। और यहाँ तक कि फिजिकल पास किए थी, अब फिजिकल पास तो कर ही लिए हैं, इसके बाद भी वो डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो उनका डीमोटिवेट होना यहाँ पे बिल्कुल वाजिब है, लेकिन उनको एक बात यहाँ पे और समझना चाहिए कि मैंने CISF फायरमैन का फिजिकल पास किया है, ठीक है। तो फिजिकल का मतलब ये होता है कि अभी आपको यहाँ पे दौड़ भाग नहीं करना है, आपने कर लिया, अभी केवल आपके यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम और मेडिकल होना बाकी है, बस उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्शन दे दिया जाएगा, इतना यहाँ पर होने वाला है। लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी भाई परेशान है इसको लेकर कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए मेरे दोस्त, मैं आपको हमेशा एक वीडियो, हर वीडियो में मैं आपको एक डेट बताता हूँ, और उस डेट को अगर आप सभी यहाँ पर समझ जाते हैं या फिर उसके अकॉर्डिंग उसके आसपास की डेट भी आप सभी समझ जाते हैं, तो आपको यहाँ पे जानकारी उसके तौर पे आपको मिल सकती है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। तो मेरी बात आप सभी समझे नहीं होंगे, मैं आपको समझा दूँ यहाँ पे कि CISF जो है वो अभी यहाँ पर एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी की खोज कर रही है, ठीक है। और उसको एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी TCS ही एग्ज़ाम कराएगी, ये भी यहाँ पर फिक्स होता दिख रहा है, ठीक है, कि आपकी जो CISF का जो एग्ज़ाम है वो TCS के थ्रू ही कंडक्ट करवाई जा सकती है। तो TCS जब आप सभी का एग्ज़ाम करवाएगी तो एग्ज़ाम आपका नॉर्मल नहीं होगा, एग्ज़ाम आपका हार्ड होगा। अगर आप सभी एग्ज़ाम की तैयारी सही से करेंगे तभी आप सभी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, अन्यथा एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते, क्योंकि TCS एग्ज़ाम आपका हल्के में नहीं लेती, एग्ज़ाम जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड देखने को आपको मिल सकता है, TCS द्वारा एग्ज़ाम कराई जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात यह आती है कि TCS द्वारा एग्ज़ाम कराई जाएगी, लेकिन ये एडमिट कार्ड कब आएगा? तो देखिए मेरे दोस्त, एडमिट कार्ड की जहाँ तक बात है तो बता दें आप सभी को कि अभी आपका यह मंथ चल रहा है जून का, ठीक है, और एडमिट कार्ड जहाँ तक है CISF फायरमैन 1149 पोस्टों का, वो एडमिट कार्ड आप सभी का जुलाई, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जुलाई के लास्ट वीक या फिर आपका अगस्त में आ सकता है। उसमें रीज़न क्या है मैं आपको बता दूं कि अभी तक ड्राइवर का फिजिकल नहीं हुआ है। CISF में जो ड्राइवर की वैकेंसी निकल के आई हुई थी उसका भी फिजिकल नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही उसका फिजिकल सफलतापूर्वक कंडक्ट करवा लिया जाता है, केवल 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन चलने वाला है उसका फिजिकल, बस का ही ड्राइवर का। और ड्राइवर का फिजिकल जैसे ही ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर यहाँ पर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा सभी का। अभी एग्जाम डेट पता चलने के बाद आप सभी ये कमेंट करोगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की, तो आप सबके लिए बेस्ट बुक निकल के आ चुकी है जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। यह बुक यहां पर आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बना सकती है, क्योंकि 2023 में जो नई भर्ती आने वाली है उसी के लिए यहाँ पर बुक निकाल चुका है चक्षु पब्लिकेशन की, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। यहाँ पर अगर बात करें तो आपको 500 पेपर इस बुक में दिया जाएगा और 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिलने वाले हैं इस बुक में, और 100% आपके सिलेबस पर यह बुक आधारित है। जितने भी सिलेबस आप सभी को इस बुक में समझाए गए हैं काफी सरल तरीके से, जिससे आप सभी अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा यहां पे बना सकते हैं। अगर आप सभी इस बुक को परचेस करते हैं तो आपको साथ ही में स्टडी गाइड मिलने वाला है, जिससे आप सभी अपनी तैयारी को दोगुनी मजबूत कर सकते हैं। अगर आप सभी इस बुक को ऑनलाइन माध्यम से परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप सभी जाकर वहां से ले सकते हैं, या फिर आप सभी इसे अपने मार्केट में भी ऑफलाइन माध्यम से परचेस कर सकते हैं। कि हमको ये बता दीजिए कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा? देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे TCS जब आप सभी का एग्जाम लेगा तो TCS के थ्रू ही आप सभी का यहाँ पे एडमिट कार्ड भी जारी होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे केवल तैयारी करते रहना है और कट ऑफ आपका कम देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो TCS एग्जाम लेती है वो एग्जाम हार्ड आता है, तो कट ऑफ आप सबका यहाँ पे कम देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप सभी को बता दें कि ड्राइवर का फिजिकल जैसे ही कंडक्ट हो जाता है उसके बाद TCS यहाँ पर जितनी भी भर्ती निकल के आई हुई थी CISF में, चाहे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 वाली या फिर कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 वाली या फिर फायरमैन
उसके बाद बात करें यहाँ पे कांस्टेबल, ट्रेसमैन, ड्राइवर सभी का भी जो एग्ज़ाम है वो मैक्सिमम 2 मंथ, यानी बात करें सितंबर से पहले पहले सभी का एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप सभी परेशान मत होइए, केवल तैयारी करते रहिए। और अदरवाइज अगर कोई कमेंट है तो आप सभी कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आप सब के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर आऊँगा ताकि आपको सही एवं सटीक जानकारी समय पर मिल सके। यही हमारी उद्देश्य रहती है, यही कि आपको सही एवं सटीक जानकारी समय पर मिल सके और आपको कहीं भी भटकने की जरूरत ना पड़े। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपका एग्जाम डेट जल्दी आने वाला है, एक नोटिस जारी किया जाएगा जिसके थ्रू आपको बताया जाएगा कि इस भर्ती का एग्जाम कब से कब तक होगा। ठीक है, सब में काफ़ी सारी भर्ती निकल के आई, लगभग सबका फिजिकल कंडक्ट करवा लिया गया है लेकिन एग्जाम की डेट नहीं आ रही है। लेकिन जल्द ही आप सबको नोटिस मिल सकता है और नोटिस में लिखा रहेगा कि इस भर्ती का एग्जाम कब तक रहेगा, ट्रेड्समैन का एग्जाम कब से कब तक चलने वाला है, फायरमैन का एग्जाम कब से कब तक होगा, ये सारी जानकारी उस नोटिस में रहेगा। और वो नोटिस आपकी जो है वो नेक्स्ट मंथ में आ जाएगी फर्स्ट वीक तक, ठीक है। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। अदरवाइज मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।